भाई कैसी लगी मूवी? ठीक है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा नहीं लगा आपको कांतारा? मैम कैसी लगी कांतारा? बहुत अच्छी है। क्या कहेगा मूवी के बारे में? क्या बता सकते, कुछ बताने का ही नहीं है, ऐसे बहुत अच्छा है। ऋषभ शेट्टी जो कि इस मूवी के हीरो भी है, डायरेक्शन भी उन्होंने किया है, स्टोरी भी उनकी है, मतलब किस तरीके से उन्होंने इस मूवी को बनाया, एक अच्छी कल्चर को बताया उन्होंने पुराने। हाँ वो हमारा ही कल्चर है, हम लोग भी शेट्टी है, तो बहुत अच्छा लगा ऐसे हमारा कल्चर को इतना सब वर्ल्ड में सब दिखाए, तो बहुत अच्छा लगा। रेटिंग देना तो 5/5 देना, तो 5 देंगे। थैंक यू सर। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेगा मूवी के बारे में? मूवी के बारे में कि हम लोग का साउथ का सब जो भी अपना भगवा इसका गॉड का ये सब दिखाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऋषभ शेट्टी का पिक्चर बोले तो हर इसमें उसका एक अलग ही एक डिफरेंट एक करते हैं, तो ये भी पिक्चर उसका एक क्लाइमेक्स कैसी लगी? खतरनाक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नहीं हर पिक्चर ऋषभ शेट्टी का हर पिक्चर अच्छा है। अगर रेटिंग देना तो 5/5 सर कैसी लगी? कर सही था, सही था, अच्छी लगी सर। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बेस्ट। क्या कहे ऋषभ शेट्टी सर के बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में? बहुत अच्छी है, अच्छा लगा। क्लाइमेक्स जो बहुत हार्ड है लास्ट का, क्लाइमेक्स और स्टार्टिंग वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। कैसी लगी? माइंड ब्लोइंग मूवीज, मतलब अमेजिंग, इससे बढ़िया मूवी कोई हो नहीं सकती। और क्लाइमेक्स सीन तो भाई एकदम माइंड ब्लोइंग, रियली रियली यू मस्ट वॉच, एवरीवन मस्ट वॉच। अच्छा मैम कैसी लगी कांतारा? बहुत अच्छा सर। क्या कहेगा मूवी के बारे में? क्या कहना है, नहीं फर्स्ट कन्नड़ा पिक्चर देख रही हूँ मैं, पर अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। ऋषभ शेट्टी जो हीरो, उनके बारे में क्या कहेगा? अच्छा एक्शन किया, कर्नाटका का कल्चर को दिखाया उन्होंने, उनके बारे में क्या? हाँ कल्चर तो चाहिए ही ना, तो बच्चे के आगे के बच्चों के लिए ये सब जानना जरूरी है जी मैम, और उनके लिए तो ये अच्छा है, पिक्चर देखना ही चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए पिक्चर। लास्ट का क्लाइमेक्स कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप दोनों ने देखा कांतारा मूवी, सर कैसी लगी पहले ये बताओ? इट वाज सिंपली सुपर्ब, ब्यूटीफुल मूवी। क्या कहेगा मूवी के बारे में, कर्नाटका का जो कल्चर बताया मूवी के? एक्चुअली दैट इज आवर कल्चरल, एक्चुअली दैट इज हमारा जो कर्नाटक का कल्चर ने बहुत अच्छा दिखाया है। ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस इट वाज रियली सुपर्ब, एंड ओवरऑल इट वाज सिंपली सुपर्ब मूवी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हीरो है ऋषभ शेट्टी, जो उन्होंने इस मूवी का डायरेक्शन भी किया है और एक्टिंग भी की, उनका कहानी भी लिखा, उनके बारे में क्या कहेगा सर? नहीं ही वॉज ऑलमोस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड एक्टिंग वॉज सुपर्ब, एवरीथिंग इट वॉज ऐसा नहीं कि कुछ भी इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, बहुत अच्छा मूवी है। एंड का क्लाइमैक्स के बारे में क्या कहेगा? इट इज़ नाइस सर, नाइस, देर इज नो वर्ड्स, ऐसे कुछ एडवर्स इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं है उसमें, इट वॉज सुपर्ब, सुपर मूवी है। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो हमारा क्या है, हम लोग पूजा करते हैं ना, वो भगवान है, वो हम लोग को देख के बहुत पसंद हो गया। सर के बारे में क्या जिन्होंने? वो हमारा नेटिव पर्सन है, वो बहुत अच्छा मूवी करते हैं। तो वो कहना कि ये मूवी का जो क्लाइमेक्स है लास्ट का 20 मिनट बहुत गूजबम्प्स देती है, रोंगटे खड़े कर देते हैं, आपको कैसा लगा वो लास्ट का 20 मिनट? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो। अच्छा अच्छा, जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा, आप अपने लैंग्वेज में किस तरीके से अपील कीजिए? कन्नड़ा में बोल सकते हैं? हाँ हाँ, कन्नड़ा अंदर बिफोर नाउ कासरगोड, ಯಾವುದು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಕ್ ಮೂವಿ ಹೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.